गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा साइंस का 11th चैप्टर चल रहा था, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो उसमें मैंने आपको दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और इसके साथ वर्ण विक्षेपण, समंजन क्षमता, नेत्र की ये सब समझाया था। अब इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हैं, शॉर्ट आंसर हैं चैप्टर रिलेटेड, इनको आपने जो है अपनी कॉपी में नोट करना है, तो इनको बताऊँगा मैं आज इसमें वीडियो में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग का विचलन कोण सबसे कम तथा किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो लाल रंग का सबसे कम विचलन होगा और बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन कोण होगा, क्योंकि जो बैंगनी रंग होता है ये सबसे ज़्यादा जो है अपवर्तित होता है प्रिज्म पड़ने के पश्चात, और सबसे कम जो है लाल रंग अपवर्तित होता है क्योंकि आधार की ओर ये नीचे की तरफ कम झुकता है, ज़्यादा झुकने वाला जो होता है ये बैंगनी कलर होता है, इसलिए जो है इसका विचलन कोण अधिक होगा और लाल रंग का कम होगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम तक किस रंग की न्यूनतम होती है। तो मैंने ये आपको प्रिज्म के जो वर्णवीक्षण था उसमें भी समझाया था मैंने आपको कि जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होगी वो अधिकतम होगी और बैंगनी रंग की न्यूनतम होगी करके। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है। ये शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन है, मैंने आपको समंजन क्षमता वाले जो पॉइंट बढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था आपको, तो कितनी होगी, 4 डायोप्टर होगी इसकी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो नीले रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जो इमेज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो मानव की जो नेत्र होता है उसके दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो मैंने बताया था आपको दूरदृष्टि दोष में जब पॉइंट पढ़ाया था, तो उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं अवतल लेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये मैं आपको लॉन्ग में भी समझाऊंगा क्वेश्चन, ये शॉर्ट में भी बता रखा मैंने आपको, एक नंबर में आता है तो इस टाइप से आंसर लिखते हैं इसका, जो लॉन्ग में आता है 2 नंबर पे तो फिर भी बताऊंगा उसको मैं किस तरह से जो है इसका थ्योरी होती करके, तो उसको फिर समझाऊंगा। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, यानी कि जो नीला रंग है वो हमें नीला ही क्यों दिखाई देता है, अन्य रंग क्यों नहीं दिखाई देता। नीले रंग के प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होने के कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, यानी कि स्पेक्ट्रम में भी आपने प्रिज्म से गुजरते हुए देखा था कि जो नीला रंग था उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ही जो है हमें जो आकाश का रंग होता है वो नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि किसी भी रंग को देखने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम क्या होता है, वायु होता है, तो वायु माध्यम होने के कारण जो आकाश का रंग होगा वो हमें नीला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है क्यों, कारण बताइए। आपने देखा होगा अधिकतर जो ट्रेन्स होती हैं उन जगहों पर हरी और लाल झंडी का यूज़ किया जाता है। लाल झंडी जो होती है वो यूज़ करते हैं ट्रेनों को रोकने के लिए या दुर्घटनाओं के समय जो है ट्रेनें उस पटरी पर ना आ करती, तो क्यों यूज़ किया जाता है उसका कारण बताना है। तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः उसे दूर तक देखा जा सकता है, इसलिए खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्योंकि जो लाल रंग होता है ये अंधेरे में भी हमको रेड कलर का ही दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि मतलब ज़्यादा अंधेरा नहीं, यानी कि डीप अगर हम देखें उसमें अंधेरे में, तो मतलब कम अंधेरे में, तो उसमें भी हमको ये रंग जो है लाल ही दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रकाश जब क्योंकि ये रंग ऐसा होता है प्रकाश पड़ने पर प्रकीर्णित नहीं होगा, यानी कि फैलेगा नहीं। ठीक है, एक ही स्थान पर बना रहता है, तो इसलिए जो है इसी रंग के जो हैं जो झंडियाँ होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है खतरे के संकेत के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को समझाइए। यानी कि जो हम रेनबो देखते हैं बारिश के पश्चात या बारिश होते होते जब धूप निकल आती है, तो
रेनबो बनता है, तो उसका कारण क्या है, उसकी थ्योरी को हम समझेंगे यहाँ पे। तो इंद्रधनुष आकाश में उपस्थित जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, एक नेचुरली एक स्पेक्ट्रम है, जैसे प्रिज्म के द्वारा तो हम करते हैं उसको शो करने के लिए, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन ये जो होता है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम बनता है जो जल की बूंदों के सूक्ष्म कणों के कारण होता है। सूर्य से आपतित प्रकाश जब इन बूंदों पर आपतित होता है, यानी कि जो सूर्य की किरणें का जो प्रकाश होगा वो इन बूंदों पर पड़ता है, ठीक है, तो ये बूंदें प्रकाश को अपवर्तित एवं विक्षेपित कर, यहाँ बीच में कर आएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कर, ठीक है, तो ये बूंदें प्रकाश को अपवर्तित यानी कि प्रकाश का अपवर्तन करती हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ विक्षेपण भी करती हैं, किसका, क्योंकि जब इनके अंदर रेज जाती हैं लाइट की, तो ये अपवर्तन के पश्चात जैसे प्रिज्म में हुआ था हमारे साथ, वैसा ही जो है अपवर्तन के पश्चात उस किरण को, वाइट किरण को जो है विक्षेपित करती है, मतलब 7 रंगों में विभाजित करती है, तत्पश्चात उसे आंतरिक परावर्तित करती है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है, मतलब जब परावर्तित हो जाती हैं तो उसके कारण से हमें जो इंद्रधनुष होगा वो कलरफुल दिखाई देगा, यानी कि 7 रंगों में विभाजित हुआ होगा। अंततः प्रकाश जल की बूंदों के साथ पुनः अपवर्तित होता है और लास्ट में दिखाई देने, जब हमको दिखाई देता है इंद्रधनुष, तो उसका कारण लास्ट में क्या होगा, जो प्रकाश होगा जल की बूंदों से, जो जल की बूंदें हैं से पुनः अपवर्तित होता है, यानी कि जल की बूंदों के अंदर से दोबारा से अपवर्तित होगा और 7 रंगों में बिखरेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंद्रधनुष जो है हमें 7 रंग का दिखाई देता है, मैंने आपको बताया भी था इसको याद करने का तरीका, विप की ओर ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि VIBGYOR, इस तरह से आप इसको याद कीजिएगा, ठीक है।